हर बार की तरह इस बार भी चलिए एक नई यात्रा पर नया जायका लेने चलते हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हूँ। हमारी गाड़ी 12:45 रात में है। चूँकि लंबी यात्रा करनी है इसलिए इस प्रकार का ड्रेस चलेगा, टी शर्ट, नीचे हाफ पैंट या बारमूंडा, गले में ये पगहा, पगहा मतलब ईयरफोन, आजकल पगहा जैसे लोग बांध लेते हैं, और साथ में हल्के फुल्के नाश्ते के साथ। आइए अब हम आगे की हाल बताते हैं आपको। धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था लेकिन रेलवे स्टेशन पर अब भी हलचल थी। 11:45 की मद्रास मिल से यात्रा करते हुए हम चेन्नई रेलवे स्टेशन आ गए। ये देखिए चेन्नई रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 के सामने। कहीं भी बाहर जाइए तो हमारे जैसे शाकाहारी लोगों के लिए बड़ी असुविधा है शाकाहारी होटल ढूंढना। आज हम चेन्नई आए हैं और चेन्नई में हम नुमम्बक्कम में ठहरे हुए हैं। यहाँ हमें बताया गया कि संगीता वेज रेस्टोरेंट है नुमम्बक्कम, जहाँ ठहरे हुए हैं उसके ठीक सामने। ये लोग आपको डोर डिलीवरी, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज भी देते हैं। इनके यहाँ थाली के हिसाब से हमने भोजन किया, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यदि शाकाहारी हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जगह आएँ तो आपको भरपूर आनंद मिलेगा। यहाँ हमें संगीता वेज रेस्टोरेंट मिला, आइए इसमें चलते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके प्रवेश द्वार पर मेन्यू लिखा हुआ है, दरवाज़ा अच्छे सजाया हुआ है और ये 3-4 लोग भीड़ नियंत्रण करने के लिए खड़े हैं। घुसते ही आपके टेबल पर ऐसा एक कार्ड रखा जाता है, उसका प्लेट रखा जाता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है अंदर से, खूब सजाया हुआ, और हर रेस्टोरेंट अमूमन ऐसे मिलता है। यहाँ ये देखिए हमने भरपूर थाली का ऑर्डर दिया है, 200 रुपये की थाली है, इतनी सब्जियाँ, दाल है, पापड़ है, साथ में दही है और चावल अनलिमिटेड है। अमूमन हर शाकाहारी रेस्टोरेंट में ये होता है। यहाँ की एक खासियत है कि इसके स्वाद में आपको मिठास मीठे वाले में ही मिलेगा, अन्य चीज़ों में नहीं, और यही जायका इसे अन्य प्रांतों से अलग करता है। अन्य प्रांतों में अलग चीज़ें हैं, यहाँ अलग चीज़ें हैं। भोजन के बाद आइसक्रीम का तड़का तो बनता ही है। अब आइसक्रीम के साथ ये देखिए हमने क्या मंगाया, बनाना शेक, मैंगो शेक, फ्रूट शेक, तो आपने सुना ही होगा। यह स्पेशल है कोकोनट शेक, कीमत थोड़ी सी अधिक है, 230 रुपये की एक गिलास है, लेकिन इसके स्वाद में जो जायका है वो हमने कहीं नहीं देखा। और आप साउथ में जाते हैं चेन्नई तो ये जायका ज़रूर लें। दिन भर काम निपटाया, शाम हुई, अब शाम के खाने पर दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये देखिए केले के पत्ते पर डोसा, या जो कुछ कहेंगे वो केले के पत्ते पर दिया जाता है। क्या ये हाइजीनिक भी है और स्वस्थ भी है। इसके बाद हमने नॉर्थ इंडियन डिश भी ट्राई करने का प्रयास किया, और नॉर्थ इंडियन डिश में देखिए इन्होंने नान और पनीर दिया, लेकिन साउथ इंडियन डिश का जो मज़ा है वो नॉर्थ का यहाँ नहीं मिल पाया। पेरिस का नाम सुनते ही लगता है विदेश है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ओल्ड चेन्नई में पेरिस बाज़ार है कहा जाता है, यहीं से प्रवेश होता है। ये देखिए लाल रंग की पुरानी बिल्डिंगें हैं, कई इमारत हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की, और उस ज़माने का ये सबसे मशहूर बाज़ार हुआ करता था, आज भी होलसेल का मार्केट है। अब दोपहर का समय था तो हमने सोचा थोड़ा दही बड़ा ट्राई किया जाए। देखिए दही बड़ा में वड़ा है, दही है, पर इसमें ऊपर से चटनी नहीं, ये बूंदी है, हल्का मीठा है इसमें। और एक चीज़ और है, हर वड़े में थोड़ा थोड़ा सा काली मिर्च का भी प्रयोग किया जाता है। पानी का गिलास देखिए, और ये रेड ग्रीन टी है, ग्रीन टी रेड जैसा दिख रहा है। रेस्टोरेंट मैंने कहा हर रेस्टोरेंट आपको ऐसे ही सजा सजाया मिलेगा। फूलों से सजाया हुआ प्रवेश द्वार पर एक भगवान की मूर्ति या जेसस की मूर्ति, साईं की मूर्ति, और इसके साथ ही अंदर का माहौल इतना सुंदर लगता है जैसे आप अपने, ये देखिए आप चेन्नई शहर इन विशेष व्यंजनों के साथ। अब हमारी यात्रा भी विशेष हुई, कार्य संपन्न, और हम वापस आ गए चेन्नई स्टेशन से घर जाने के लिए। यहाँ की यादों को समेटे अब हम लौट रहे हैं। आपको भी अगर यहाँ आना हो तो इन लजीज व्यंजनों का स्वाद जरूर लें अपने काम करने और घूमने के साथ।